सामने आया है वो खुद लड़की का पिता जो है, जिसका नाम है प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय राजा राम, निवासी खरगवार थाना शौरतगढ़। इसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी बेटी की हत्या की है। जो लड़की है जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी बातचीत उसी गांव के एक लड़के के साथ होती थी जिसका नाम अंकित उपाध्याय था। इस चीज़ से लड़की का पिता खुश नहीं था। उसने कई बार उसको चेतावनी भी दी थी कि उससे बातचीत मत करो वरना मैं कुछ ना कुछ बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन लड़की ने उसकी सभी बातों को कभी सुना नहीं और वो कंटिन्यू करती रही उससे बातचीत करना। घटना के एक दिन पहले 9 तारीख को जो लड़की का पिता था वो अपने घर से निकला ये कह के कि मैं मुंबई कमाने जा रहा हूँ। वो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे उसने टिकट भी खरीदा लेकिन वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। लड़की जब अपने स्कूल चली गई 9 तारीख को सुबह, 12 बजे वो लौट रही थी। वहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पे के रास्ते से ही वो जाती थी तो वहाँ पे उसके पिता ने उसको अपने साथ उसको लेके गया और उसको समझाने की बहुत कोशिश भी की। इवन उसको एक मंदिर में भी वो लेकर गया, वहाँ पे भी मनौती वनौती उससे मंगवाई कि इस प्रकार का काम मत करो, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। फिर उसको ले जाके वहाँ जो इनके गांव के पहले एक बाग है वहाँ पे वो जहाँ पे लड़की की बॉडी मिली थी वहाँ लेके गया, उससे बातचीत की। तब भी उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं उससे बातचीत करना नहीं बंद करूँगी। इसी बात पे गुस्सा होके लड़की के बाप ने उस अपने ही मफलर से उसके हाथ बांध के उसका गला दबा के वहीं मौके पे ही उससे मृत्यु की। और उसके पहले उसने कुछ खाने का सामान खरीदा था, छोला और चावल, तो छोला उसने उसी समय खा लिया था, चावल बचा था, चावल उसने जानबूझ के वहाँ गिराया। जैसे कि जो भी लाश को देखे उसको ये लगे कि उल्टी करने के लड़की ने उल्टी की और उल्टी के बाद उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद लड़की की माँ ने जो तहरीर दी उसमें लड़की का जो लवर था उसका नाम अंकित था उसकी नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत 302 का मुकदमा भी दर्ज किया अंकित के ऊपर ही तहरीर के आधार पर, लेकिन क्योंकि अंकित की इसमें कोई गलती नहीं पाई गई इसलिए अंकित को हटा के हम लोग ने जो इसका मेन पिता जो था मुलजिम जो निकल के आया है उन्हीं को जेल भेजा जाएगा इसमें, और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। अनर किलिंग को हत्या का रूप दिया गया जी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं इसमें कोई सर। सराहनी टीम के लिए क्या टीम के पूरी टीम को इस घटना का अनावरण करने के लिए 25,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है।